दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत से लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वो तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि वो तो देवी का स्वरूप है, विष्णु पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की या नारंगी रंग, भगवा रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं, ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें और अगर देवउठनी एकादशी पर आप तुलसी को नई चुनरी बांधते हैं तो इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है, इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है।
जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से रिसता गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक लगाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है, ऐसा करना गलत है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो ये आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं नित्य तुलसी के दर्शन करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए, इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी माँ रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है, ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागपनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागपनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें, ये तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। ये पत्थर उत्तर की गंडकी नदी में पाए जाते हैं।
इसीलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वो घर तीर्थों के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर तुलसी के पास रखकर इसकी पूजा रोज की जाए तो व्यक्ति को धन संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रहे कि वो असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी ना करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। ऐसे लोगों की पूजा भी नहीं स्वीकार करती है माँ तुलसी। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ तुलसी जय माता दी। दोस्तों चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी भी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी भी ना लगाएं। दोस्तों घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहां पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का उल्लेख विस्तार पूर्वक बताया गया है। हिंदू धर्म में वो घर ही क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो। नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति अपने घर पर श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्तियों का साया कभी वास नहीं कर पाएगा। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी भी घर में मत लगाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। माँ तुलसी क्रोधित हो जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि क्या आपको तुलसी लगाते समय ध्यान रखना है, कैसी तुलसी आपको घर पर नहीं लगानी है और क्या गलतियां आपको अगर आपके घर में तुलसी है तो कभी भी नहीं करनी। दोस्तों कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप ये गलती कभी भी ना करें। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों मासिक धर्म में किसी भी स्त्री को पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख जाता है और घर की सुख शांति सब भंग हो जाती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पास झाड़ू कभी भी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के पास आपको पुराने दीपक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप तुलसी में दीपक लगाते हैं तो नया मिट्टी का दीपक लें। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या फिर कंपोस्ट ही लगाना चाहिए। दोस्तों तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए, इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है और घर में बीमारियां प्रवेश करती है।
दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच में लगाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे, तुलसी माता का पौधा बुरे भाव से घर में नहीं लाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं, या उन पौधों को निकाल कर मिट्टी में दबा दें, या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में जब एक से ज्यादा तुलसी निकल आती है तो बहुत ही ज्यादा शुभ है, ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। दोस्तों तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाने चाहिए, जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म में महिलाओं को तुलसी से दूर रहना चाहिए। अगर आपने मांस खाया है या धूम्रपान या मदिरा पी है तो तुलसी के आसपास भूल कर भी ना जाएं। ऐसे में अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो स्वच्छता से पहले यानी नहाने से पहले आप तुलसी के आसपास भी कभी ना जाएं। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी वास करती है। तुलसी में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए, गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, और व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में भी तुलसी के पास में ये पौधे है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है, पूरे घर का विनाश हो जाता है, माँ तुलसी क्रोधित हो जाती है। आज ही इन पौधों को घर से बाहर कर दें। तो चलिए जानते हैं उस पौधे का नाम जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो पौधा और कोई नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहाँ पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न करके कांटे की उत्पत्ति करता है, उसमें पत्तियां ना के बराबर हो, तो उन पौधों को घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है, इसीलिए आज ही अपने घर से इस पौधे को बाहर कर दीजिए। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है, ये बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी अगर व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए, इसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की कृपा भी मिलती है, महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों जिस घर में तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी जी कोसों दूर रहती है, साथ ही तुलसी माता क्रोधित हो जाती है और आप कोई भी कार्य करोगे उसमें कभी भी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों तुलसी का पौधा घर में है तो उसमें आपको शालिग्राम जरूर रखना चाहिए, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। श्री विष्णु का पूजन विशेष पत्थर के रूप में भी होता है जिसे शालिग्राम कहा जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं, और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को भी रखा जाता है तो उस घर में भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है, धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, खुशियाँ उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। दोस्तों शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस घर में शालिग्राम होता है तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता और तरक्की आपके कदम चूमती है। हमेशा याद रखें, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें, तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि कुछ लोग क्या करते हैं कि तुलसी की चुनरी जब फट जाती है, पुरानी हो जाती है, तो भी उसे बदलते नहीं है, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको एकादशी या फिर अन्य किसी भी शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी को जरूर बदल लेना चाहिए। आपको केवल त्योहारों पर चुनरी ना बदल करके जब भी आपकी चुनरी पुरानी हो जाए या फट जाए
तो आपको ऐसे में चुनरी बदलकर साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती और तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आपको अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन जरूर करना चाहिए, माँ बड़ी प्रसन्न होती है। दोस्तों, तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, जय माँ तुलसी।